हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। रोज की तरह स्वागत है आप सभी को मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो हम लोग जाने वाले हैं आज कुछ मतलब प्रोग्राम है। तो हमारी यहाँ झारसुगुड़ा की जो MLA है वो आने वाली है, तो वो हमारे यहाँ पर कल्याण मंडप का शिलान्यास करने वाली है। तो आज हम लोग वहीं पर जाएंगे, मतलब वहाँ एक प्रोग्राम है। तो हम लोग सभी को ना, हम लोग ग्रुप में है तो हम लोग सभी को बुलाया है सबों ने, तो हम लोग जाएंगे। देखिए दोस्तों, बाबू भी इधर रेडी होकर परेशान कर रहा है, मम्मी भी रेडी हो गई है। मम्मी तो पूरा चीफ गेस्ट है, उसको तो बहुत जल्दी जाना चाहिए था, लेकिन ना मैंने उसको रोका, नहीं हम लोग भी जाएंगे और हम लोग को भी रुको थोड़ा देर बोल के मैंने मम्मी को रुका, तो मम्मी रुकी है। चलो चलो जल्दी जल्दी बोल रहे। तो दोस्तों मिलते हैं वहीं पर, मिलते हैं, आपको दिखाऊंगी हमारी अगला नेक्स्ट। So, दोस्तों हम लोग आए हैं अभी फाउंडेशन स्टोन लीविंग सेरेमनी में। तो यहाँ सब कोई आ गई है, अभी हमारी MLA मैडम नहीं आए हैं, तो सब आ रहे हैं, सब कोई आए हुए हैं। अभी कुछ देर के बाद हमारी मैडम भी आने वाली है। ये है, हमारी मैडम नहीं आए हैं, अभी आएंगे वो भी थोड़ा देर में, उस दूसरा प्रोग्राम में है। तो दोस्तों अभी सब कोई आ गई है यहाँ पर, बस इधर मैडम का आना थोड़ा हम लोग वेट कर रहे हैं। मैडम अभी थोड़ी देर में आ रही है, कोई प्रोग्राम में है अभी मैडम। आ गई है, सब कोई आए हैं। देखिए बाबू को पकड़ी है मम्मी। हमारे यहाँ का शिव मंदिर है, यहाँ पर कल्याण मंडप बनेगा, उसी का उद्घाटन करने आएंगे आज, मतलब उसका शिलान्यास करने आएंगे।
माँ भौनी माने सामाजिक बंधु माने आज बहुत खुशी विषय जे हमर वे से भी सेकंड काउंसलर श्रीमती प्रतिमा भाईसाल महोदय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेडी रवि सिंह महोदय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर झारसुगुड़ा म्युनिसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट पावर काउंसिल प्रेसिडेंट श्रीनाथ गोयल महोदय ओएसएफपी बटालियन समस्त ऑफिसर एवं ओएसएफपी एरिया रे रहुथिबा समस्त भद्र व्यक्ति एवं भद्र महिला आज ओएसएफपी पाई बहुत शुभ दिन कहीं ना बहुत दिन है आमर एटा डिमांड थिला आमर रिक्वायरमेंट थिला गोटे कल्याण मंडप आमर ये बटालियन टाउन रू टे दूर एवं जो जेते भी कल्याण आज वापस से आपके यहाँ आई हूँ। मुझे आज भी याद है जब हमारा बाय इलेक्शन चल रहा था उस समय मैं हम लोग ने फील्ड पे मीटिंग करा था तब भी आप सभी का चेहरा मुझे याद है। तब चुम्मे भैया थे तब यही सेम टोपी मुझे ऐसे ही पहनाया था और मुझे अपनी बेटी अपनी बहन का दर्जा दिया था आप सभी ने। तो वो प्यार वो भरोसा और वो रिस्पेक्ट मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। तो उसी के लिए आज मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। दूसरी चीज यहाँ मंच पे उपस्थित है आप सभी को पता है हमारे साथ है हमारे आई जी सर आशीष जी। अभी मैं उनसे बात कर रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि वो मेरे पापा को बहुत पहले से जानते थे जब वो कॉलेज टाइम से थे। मेरे चाचा के बहुत अच्छे दोस्त रहे थे। इसका मतलब यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के पास आई हूँ। तो बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ हमारे म्युनिसिपालिटी के चेयरमैन रानी हाथी जी हैं, हमारे साथ बीजू जनता दल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रवि जी हैं, हमारे साथ काउंसलर मैडम है बाहर प्रेसिडेंट त्रिनाथ गोयल जी हैं, हमारे साथ चुम्मे अंकल है, हमारे साथ प्रताप भैया है और दूसरे भी और सभापति हैं गौर समाज के और अन्य अन्य मेरे दीदियाँ जिसमें लक्ष्मी जी को देख पा रही हूँ, बेला जी का है वो भी है, सबको देख पा रही हूँ। मेरा सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सारे मीडिया को मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ आपसे कि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जब एक इंसान जीवित रहता है जो काम वो करता है उसका जो कर्म होते हैं चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो चाहे वो तो दोस्तों हम लोग आ गए अभी हमारे दीपाली दास मैडम के साथ में मिलके। उन्होंने हमारे यहाँ जो ओएमपी में कल्याण मंडप का मतलब बनेगा उनका शिलान्यास किए अभी बनेगा मार्च तक शायद कंप्लीट होगा वो बोल रहे थे। तो अभी तो हम लोग घर में आ गए। तो दोस्तों मैं ना आज बहुत दुखी हूँ, कल से मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि ना इंडिया हार गया। क्योंकि मैं नहीं देखी ना तो मुझे देखने नहीं मिला। मैं टीवी में लगा रही हूँ मुझे तो लगाने नहीं आता है, रिमोट आज गया था कंप्यूटर में लगा रही हूँ तो मेरे को कंप्यूटर में चलाने नहीं आता है। मेरा हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी और मेरा हस्बैंड मेरे को थोड़ा मेरा मूड अप कर दिए थे तो मेरे को क्रिकेट भी उतना देखने का मन नहीं किया तो ना इसीलिए शायद इंडिया हार गया लग रहा। मैं अगर देखती ना मैं हर बार जब भी मैच होता है तो मैं देखती हूँ तो ना मैं हमेशा देखती हूँ तो जीतता है शायद। मैं हार गई तो मैं आज नहीं देखी तो इंडिया हार गया। चलो कुछ कोई बात नहीं, इतना सारा नोट हो मैच जीता फाइनल में हार गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर इंडिया जीतना मैच ठीक है। अब आप लोगों ने तो बहुत मतलब कोशिश किया जीतने के लिए, अब जीत नहीं सके तो क्या करेंगे ना, खेल है पासा कभी भी पलट सकता है गाइज। तो मेरा आज का वीडियो में इतना ही। मैं दो दिन हो गया मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि कुछ काम हम लोग बिजी हो गए थे तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का मेरा वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।